हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अभी क्या खास सीखने वाले हैं, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर डेट लिखी हुई है, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा होगा यहाँ पर डेट लिखी हुई थी। और मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा था, यूज़ कर रहा था ई डेट फार्मूला। बिल्कुल ई डेट फार्मूला ही यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम ईयर लेके आएंगे। कैसे होगा ये आइए दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू, फिर लिखूंगा ई डेट, ठीक है, ये लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं कॉमा देने के बाद इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मंथ आएगी, तीन महीने बाद की डेट आएगी। तो ये देख लीजिए, ठीक है, ये जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर 2020, 3 अक्टूबर 2020 आ रहा है। तो हमें करना क्या होगा, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा काम, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2020 है और ये 2023 हो गया है, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 2010 लिखा हुआ है और 7 साल जोड़ने हैं तो 2017 आ गया, देख सकते हैं आप, देख लीजिए यहाँ पे, इसे मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे 2017 आया हुआ है, ठीक है, एक साल माइनस करना है, ठीक है, तो 1920 है तो 1919 हो गया, देखिए 1919 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 3 साल और ऐड करने हैं, जोड़ने हैं, तो 2020 है तो 23 हो गया है, 6 साल माइनस करना है, 2030 में से 6 साल माइनस हो जाएगा तो 2024 ही तो बचेगा। तो इस तरीके से कुछ ये कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।